बेमौसम बारिश के कारण रबी फसल लगाए किसानों का हाल बेहाल हो गया है। हालत यह है कि कई गांवों में बारिश एवं आंधी तूफान ने कहर ढाया है। किसानों ने इस विपदा के बाद शासन प्रशासन से राहत की गुहार लगाई है। रबी फसल कटाई के दौरान ही बेमौसम बारिश होने से किसानों के सपने एक तरह से चकनाचूर हो गए हैं। देखा जाए तो सैकड़ों एकड़ की धान फसल बर्बाद हो गई है। किसानों की माली हालत यह है कि जमीन गीली होने के कारण बचे फसलों की कटाई भी नहीं कर पा रहे हैं। ओले और बेमौसम बारिश का असर यह रहा कि पतझड़ की तर्ज पर धान के पौधों में पके बालियां जमीन पर गिर गई। किसानों को पहली बार इस तरह का विपदा का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रकृति की मार के कारण किसानों की हालत दयनीय हो गई है। किसानों का कहना है कि फसल का लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है। गौरतलब है कि सोमवार को क्षेत्र में बेमौसम बारिश हुई थी, जिससे ग्राम कोचबाय, तनवर बहरा, झिंत्री डूमर, सुहागपुर, कोकड़ी सहित अनेक गांवों में सैकड़ों किसान प्राकृतिक आपदा की मार झेलने मजबूर हैं। डीएनएक्स टीवी की टीम ने ग्राम कोचबाय पहुंचकर किसानों के खेतों में उतर कर देखा तो पाया कि खेतों में 2 से 3 इंच पानी भरा हुआ है। धान की फसलें पूरी तरह से झूल गई हैं और पौधों में पके धान की बालियां नीचे गिर गई हैं। वहीं कुछ किसान खेत में कटाई कर रहे धान की फसलों को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। किसानों का कहना है कि हम छोटे तबके के किसान हैं, कर्ज लेकर रबी सीजन में धान की फसल लगाते हैं, जो कि ओले और आंधी तूफान एवं बेमौसम बारिश के चलते बर्बाद हो गए हैं। वहीं आंधी तूफान, बारिश और ओले गिरने से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने राजस्व प्रशासन ने सर्वे कराने का काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका भी सर्वे किया जा रहा है। डीएनएक्स टीवी के लिए गरियाबंद से राधेश्याम सोनवानी, रितेश यादव की रिपोर्ट। जो खार है दादर खार, वहाँ बहुत किसान के कल के तेज हवा तूफान और ओलावृष्टि में बहुत नुकसान हुए हैं। कनिक में बो रहे हैं, बहुकाली के करा पानी में सब धान है, नुकसान हो गए। हम शासन चला चाहता कि हमार लेकर नुकसानी दे दे, ऐसे कही के से कम 20 हेक्टर में बोआ है पूरा बस्ती भर के। माने जेकर नुकसान हो है ना, तेकर पूरा खलखल ले हो गए, देखो कर नहीं है, सब करा पानी में सब है झर गए। अभी देखो ना भाई, आप मन ये देख सकते हो है, पूरा जत का कर्जा बोड़ी करे रहे तो सब बर्बाद हो गए, है नहीं का। तब एक कुछ संस्थान है एक मुआवजा फौजा देती थे बने रही सी, कहा हमारे विचार है भाई। अबे पैरा का करूँगा, अबे खर रेला पैरा ला करूँ गाय खाई, अब काई कर वो आपन के एकड़ में बोल रहे हो। हमारे के एकड़ में बोआ रही सी, पूरा नुकसान हो गया। हाँ वो तो पानी में बुड़े है भाई, अब ये देख लेने यहू तहर के दे लेकर का स्थिति है। का नाम लिखो अपन? मोर नाम गंगाराम है। 2 बजे के पानी, हवा पानी में, करा पानी में बहुत सारा नुकसान हो गया है और शासन से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि कुछ बहुत थोड़ा बहुत राहत दे। 1 एकड़ में कम से कम लगाए रहें, कल आंधी तूफान आईस, ओलावृष्टि होइस, तेमें पूरा फसल बर्बाद हो गए, धान झर गए, दाना मन पूरा कम से कम 10-12 हज़ार के लागत आए रही से, हमला मुआवजा मिल जाती थे बढ़िया रही। क्या नाम लिखता है? सिया राम भेड़िया। जो नुकसान हुए किसानों को उसको लेकर प्रशासन क्या तैयारी करे सर, कितने सर्वे कर रहे हैं, क्या किया जाएंगे उनके लिए? कल जो आंधी तूफान आए हैं और कहीं कहीं ओले गिरने की भी जानकारी मिली है, तो उससे जो फसल का नुकसान हुआ है, फसल का हो चाहे मकान का हो, उसको हल्का पटवारियों को सर्वे करने के निर्देश दे दिए गए हैं और राजस्व पुस्तक परिपत्र में जो प्रावधान बने हैं उसके तहत पीड़ितों को मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा।